देश भर में आज सावन मास की शिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। सभी शिवालयों में हर हर महादेव बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। रात्रि 12 बजे के बाद से ही मंदिरों में कांवड़ चढ़ने शुरू हो गयी, श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। सावन मास की शिवरात्रि पर हरिद्वार और गोमुख से कांवड़ में गंगा जल लेकर आने वाले शिव भक्त कांवड़ियों ने परिवार सहित शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक किया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के दुखमंजन महादेव मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, नाभेश्वर महादेव मंदिर, संगमेश्वर महादेव मंदिर, अरुणाय सहित सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मंदिरों को फूलमालाओं और लाइटों से सजाया गया है। मंदिर में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी तैनात है। आपको बता दें कि सावन मास की शिवरात्रि पर शिव का जलाभिषेक करने और पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन मास पर शिव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। विशेषकर शिवरात्रि पर विधि विधान से शिव की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर के तट पर स्थित दुखमंजन महादेव मंदिर के पुजारी राकेश शास्त्री ने बताया कि आज शिवरात्रि का पर्व है। हिंदू सनातन धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। भोलेनाथ जी के भक्त रात्रि 12 बजे से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। जो भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर आए हैं वह रात से ही जलाभिषेक पर लगे हुए हैं और भोलेनाथ के भक्त दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। यहां उनके ठहरने का उचित इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि सावन मास में शिवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है और सावन में सोमवार के व्रत रखने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आपको बता दें कि सावन माह की शिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए सभी मंदिरों में देर रात से ही पूरी तैयारियां कर ली गई थी। अल सुबह से ही बम बम बोले उद्घोष के साथ ही मंदिरों के कपाट खुल गए। एक दिन पूर्व मंदिरों में शिवलिंग का श्रृंगार किया गया। मंदिरों को भव्य रोशनी में फूलों से भी सजाया गया। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर मंदिरों के बाहर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई। कुरुक्षेत्र के श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, दुखमंजन महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, बाहरी मोहल्ला स्थित नाभेश्वर महादेव मंदिर, श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर, अरुणाय सहित तमाम मंदिरों में सजावट की गई। वीरवार को बड़ी संख्या में कांवड़िए शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंच चुके थे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक दिन पहले ही पुख्ता प्रबंध कर लिए गए। मंदिरों के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस तैनात है, जबकि साफ सफाई के लिए भी देर रात तक मंदिरों के सेवक जुटे हुए नजर आए। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनियों, झालरों व फूलों से सजाया गया है। बड़ी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने से प्राचीन दुखमंजन महादेव मंदिर में अल सुबह से ही सेवकों ने कमान संभाल रही है। मंदिर प्रबंधकों ने बताया कि मंदिर में अभिषेक के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। कांवड़ियों की भीड़ को संभालने के लिए भी मंदिरों में सेवकों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, ताकि व्यवस्था बनी रहे। वहीं स्थानेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया गया। हर वर्ष यहां शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती हैं। इसके मद्देनजर भी यहां मंदिरों में सेवकों ने व्यवस्था संभाल ली है। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। कालेश्वर महादेव तीर्थ पर भी शिवलिंग का अभिषेक कमल के फूलों से किया जा रहा है। श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर अरुणाय हर वर्ष त्रयोदशी पर जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर का प्रबंधन संभाल रहे श्री महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत विश्वनाथ गिरी ने मीडिया को दी जानकारी के अनुसार मंदिर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है और मंदिर के बाहर विशाल मेले का भी आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि सावन मास की शिवरात्रि पर इस बार एक अद्भुत संयोग भी बन रहा है। सावन शिवरात्रि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का शुभ संयोग बना हुआ है। ज्योतिष के अनुसार मान्यता है कि यदि इस शुभ योग में यदि पति और पत्नी साथ में मिलकर शिव परिवार की साधना करें तो ये रिश्ते में आपसी प्रेम और सुख बढ़ाएगा। गायत्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के संचालक पंडित रामराज कौशिक के अनुसार हर साल सावन में कांवड़ यात्रा होती है, जो कि सावन के अंत तक चलती है, लेकिन कई जगहों पर शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव का अभिषेक कर श्रद्धालु अपनी यात्रा पूर्ण कर लेते हैं। कांवड़ी शिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, लेकिन सावन के आखिरी सोमवार तक जल अर्पित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़िए थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। इस साल सावन शिवरात्रि का व्रत आज यानी 2 अगस्त को रखा जा रहा है, लेकिन चतुर्दशी तिथि 2 दिन होने से 2 और 3 अगस्त दोनों दिन भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं।
श्रद्धालुओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि शिवलिंग का अभिषेक शुभ मुहूर्त में ही करें। 1 अगस्त शाम को 3:55 से शाम में 7:56 तक शुभ मुहूर्त है। 2 अगस्त सुबह सूर्योदय से 9:35 से शाम 4:02 तक रहेगा। इसके बाद शाम में 4:02 से 7:50 तक अभिषेक के लिए उत्तम समय है। वहीं 3 अगस्त को भी सुबह सूर्योदय से लेकर 9:30 तक भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि शिवरात्रि के 4 प्रहर की जो पूजा का मुहूर्त रखा गया है उसमें रात्रि प्रथम प्रहर पूजा का समय 7:11 शाम से रात्रि 9:49 तक है। इसी प्रकार द्वितीय प्रहर पूजा समय 9:49 रात्रि से 12:27 रात तक का है। तृतीय प्रहर पूजा समय 12:27 रात से 3:06 सुबह तक का है और रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय 3:06 सुबह से 5:44 सुबह तक का है। खबरनामा हरियाणा की ओर से आप सभी शिव भक्तों को सावन मास की शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय भोलेनाथ। सावन की शिवरात्रि है, क्या महत्व है इसका? इस बार इस श्रावण मास की शिवरात्रि का बहुत महत्व है क्योंकि ये करीब 70 साल के बाद ऐसा योग बना है कि जी इस बार श्रावण में 5 सोमवार आए हैं। प्रारंभ वाले दिन से ही सोमवार है और लास्ट में भी 19 अगस्त को सोमवार है, तो इस दिन का महात्म्य और ज़्यादा इस बार इस महीने का हो गया है। ये शिवरात्रि है, आज लोग बड़े श्रद्धा भाव से हरिद्वार से गंगोत्री से जहाँ जिसकी आस्था है वहाँ से जल लेकर और अपने कुछ लोग बाइक द्वारा कुछ पैदल लेकर कंधों में लेकर बड़े श्रद्धा भाव से बहुत भजन लेकर आते हैं और आकर श्रद्धा भाव से के साथ भोलेनाथ जी को अर्पण करते हैं और भोलेनाथ जी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। कब से जो है भक्तगण यहाँ? ये अभी यहाँ 15 दिन हो गए, 15 दिन से अभी जो आगे जाने वाले हैं वो आ रहे थे, अब 1-2 दिन से जो यहाँ चढ़ाने वाले हैं उनकी भीड़ आ रही है। तो समय क्या रहेगा जल चढ़ाने? जल चढ़ाने का समय त्रयोदशी तो प्रारंभ हो चुकी है, जो हमारे शास्त्र में वर्णन है कि सूर्य उदय काल से तिथि का मान्य हो जाता है, वो तिथि या त्रयोदशी लग चुकी है। सायंकाल 3:27 तक त्रयोदशी रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी जो रात में चतुर्दशी का जल चढ़ेगा। मास चल रहा है, श्रावण मास बहुत ही पवित्र मास माना जाता है, ये भगवान शिव की भक्ति प्रदान करने वाला मास है और आज शिवरात्रि है, बहुत ही पवित्र दिन है, तो सब आए हैं आज जल चढ़ाने इधर अभिषेक करने शंकर जी का। तो सुबह से लंबी लंबी लाइनें लग चुकी है, सुबह से बहुत भीड़ है, सब भक्त आ रहे हैं। क्या नाम? आयुष।